नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम आज बधाई कार्ड के बारे में सुनने वाले हैं और हमें बधाई कार्ड बनाना है। जन्मदिन, विवाह समारोह, त्यौहार आदि के अवसर पर हम बधाई कार्ड भेजते हैं। बधाई कार्ड बाज़ार में मिलते हैं, लेकिन अपने हाथ से बनाया हुआ कार्ड भेजने का मज़ा कुछ और होता है। इस पाठ में हमें बधाई कार्ड बनाने की विधि बताई गई है। तो देखो, इस बधाई कार्ड को बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री लगती है, जैसे कि कागज, पुरानी साड़ी की लेस, टिकलियाँ, रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े, कैंची, गोंद, स्केच पेन, ऐसी सामग्री लगती है। बधाई कार्ड आप कैसे बना सकते हैं? तो बधाई कार्ड बनाने के लिए उचित आकार का कागज काटना पड़ेगा। उसके चारे किनारों पर पुरानी साड़ी की लेस चिपकानी होगी। कार्डों को आवश्यक आकर्षक बनाने के लिए टिकलियाँ और कांच के छोटे टुकड़ों को उचित जगहों पर चिपकाना होगा। स्केच पेन से विविध रंगों की सजावट हमें करनी होगी। फिर कार्ड पर बधाई का संदेश हमें लिखना होगा। इस तरह हम बधाई कार्ड बना सकते हैं। आप देख रहे हैं इस पार्ट में जो कार्ड बनाया गया है, यह कार्ड किसने किसे भेजा है। देखो, यह कार्ड, ये जो बधाई कार्ड है, ये स्वप्निल और मेघा ने अपने दादाजी को भेजा है। स्वप्निल और मेघा ने ये बधाई कार्ड किस अवसर पर भेजा है? तो स्वप्निल और मेघा ने ये बधाई कार्ड दादाजी के जन्मदिन पर भेजा है। कार्ड में जो संबोधन और अभिवादन के स्थान पर क्या लिखा गया है? कार्ड में संबोधन के स्थान पर पूज्य दादाजी और अभिवादन के स्थान पर सादर प्रणाम लिखा गया है। स्वप्निल और मेघा अपने दादाजी के क्या है? स्वप्निल और मेघा अपने दादाजी के पोता और पोती है। संदेश के स्थान पर कार्ड में क्या लिखा गया है? संदेश के स्थान पर कार्ड में जन्मदिन की बधाई लिखा गया है। इस तरह हम अपने मित्र को हम क्या कर सकते हैं? जन्मदिन के अवसर पर बधाई कार्ड भेज सकते हैं। और बधाई कार्ड में लिखते समय हम बड़ों को प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते और छोटों को आशीष, प्यार, स्नेह आदि लिखते हैं। इस तरह हमें सबको बधाई कार्ड भेजना है। धन्यवाद।